तो चलो जल्दी से कबूल कर लो कि तुम दोनों ने कल खाने में नशे की गोली मिलाई थी। वरना पाप तुम्हारा और प्रायश्चित सबको करना होगा। बता दो ना जी। जल्दी बोल पल्लू। अरे कम से कम घर वालों पर तो रहम खा ले। सच बोल दे तो सबकी सजा माफ हो जाएगी। तुम क्या कह रही हो? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो, कितनी ना समझ है पल्लू तू। हाँ, एक बार में समझती ही नहीं है किसी बात को। अच्छा गौरी, हमको ये बताओ, अगर कोई समझ के भी ना समझे तो उसे क्या मिलनी चाहिए? सजा। वेरी गुड। तो अब मिलेगी सजा। नाटक तो तू कर रही है ना समझी का पल्लू। देख अपनी गलती मान ले, फिर भारी भरकम बोरी उठाकर यहाँ से वहां नहीं भागना पड़ेगा। चलो जल्दी। हाँ हाँ। आदर्श लगा लेना जल्दी। अरे यहाँ क्यों रोक दिया? आदर्श नगर तो आगे है। हाँ। हमें वकील साहब से मिलना है, हमें वहां जाना है। मिंथिया, बाबूजी चले जाइएगा आदर्श नगर, पर पहले आप सब हमारे साथ चलिए। क्या करने वाली हो तुम हमारे साथ? बताइए, आप लोग जमीन और घर के कागजात के चक्कर में ये भी भूल गए कि आज गंगा पूजन है? चले थे वकील से मिलने। अरे भगवान से बढ़कर वकील हो गएगा आप लोगों के लिए। खैर, हमने सोचा जब हम पूजा कर ही रहे तो आप लोगों को भी करा देते हैं साथ साथ, थोड़ा पुण्य हमें भी मिल जाएगा। देखा माँ जी, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। बिलिया,
खुद को समझती क्या हो तुम? हाँ, अम्मा मम्मी पापा सबको जबरदस्ती यहाँ कैसे लेकर के आ गई? और तो और हमें भी गौरी का इस्तेमाल करके यहाँ बुलवा लिया। आपको इतना भी नहीं बताएगा कि पूजा के समय चिल्लाते नहीं है। आज गंगा पूजन है और अभी पूजा का समय, और अगर आपको पता नहीं है तो अम्मा और बाबूजी से पूछ सकते हैं कि पूजा का क्या महत्व है। चलिए अब सब लोग अलग पलट चलट करके जल्दी से तैयार हो जाएं। हम सबको साथ में आरती करनी है। हेलो, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारा ऑर्डर मानेंगे हम? कृष्णा बेटा शांत हो जाओ, पूजा का स्थल है, पहले पूजा कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। लेकिन पापा ये। बेटा समझा करो ना, चलो आओ 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 सब लोग आओ। हमारे पास एक धांसू आइडिया है। चलो पानी लेकर आओ।